नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला सेनानी और SDERF के द्वारा वार्ड नंबर 30 और 31 के क्षेत्र में दौरा किया गया। वहां पर बाहर घूम रहे बिना मास्क के लोगों को समझाया गया और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर रखने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जिला कलेक्टर इलियाया राजा टी के निर्देशानुसार जिला सेनानी डॉक्टर मधु राजेश तिवारी और SDERF के जवानों द्वारा लगातार वार्ड नंबर 30 और 31 के क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है, जहां बिना मास्क के बाहर निकल रहे लोगों को समझाया जा रहा है और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर रखने के लिए दुकानदारों को निर्देशित किया जा रहा है। और इसी के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से कंटेनमेंट जोन के नियमों पालन करने के लिए पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। और भी किसी को जैसे जब भी कभी देखो जरूर टोकिए। अरे आप क्यों कहते हैं, किसी को बुरा लगे या खराब लगे, ये कहां से आए हो, दूसरे ये आए हाथ भी धो के अंदर घुस। नहीं नहीं जरूरी है। और क्या लगा के छोटे बच्चे के ये छोटे बच्चे को लेकर टहल रहे हैं, तो आना होता है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, प्रभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।